नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं क्या है खास हमारे आज के टेक न्यूज सेक्शन में। पहली जो अपडेट आ रही है दोस्तों, वो आ रही है हमारे स्मार्टफोन्स को लेके। जी हां, यहां पे अगर बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग ने जो है मार्केट के अंदर वापस से कमबैक कर लिया है। वहीं पे अगर रिपोर्ट सेकंड क्वार्टर की, अगर रिजल्ट की बात करें, तो यहां पे जो है एक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह है कि सैमसंग ने जो है करीब 10 मिलियन जो है स्मार्टफोन अभी तक इंडिया के अंदर शिप कर दिए हैं। वहीं पे अगर हम शाओमी की बात करें, तो शाओमी ने भी जो है करीब 10 मिलियन जो है स्मार्टफोन्स इंडिया के अंदर शिप कर दिए हैं। यानी कि अगर बात करें पूरे ओवरऑल स्मार्टफोन मार्केट की, तो 60% प्लस जो है मार्केट तो सिर्फ इन दो ब्रांड के अंदर ही जो है पूरी कैप्चर हो रखी है। बाकी ब्रांड जो बचे हुए हैं, वो सारे जो हैं करीब 39 या 40% जो मार्केट शेयर है वो शेयर कर रहे हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है रिजल्ट यही आ रहा है कि अभी अगर मार्केट के ट्रेंड की अगर बात करें, तो जो अगर लाइक्स की बात करें, तो यहाँ पे स्मार्टफोन के अंदर जो है सैमसंग और शाओमी जो है मार्केट में काफी अच्छी धूम मचा रहे हैं। अगली जो अपडेट आ रही है दोस्तों, वो आ रही है टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ से। जी हाँ, रिलायंस जियो को जो है अभी तक मोबिलिटी के अंदर कम्पीट करने के लिए जितनी भी बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनीज हैं, वो कोई ना कोई नए नए जरिए जो है वो काफी सारे अपने नए नए प्लान जो है मार्केट के अंदर लॉन्च करते जा रहे हैं। यहीं पे जो है अभी आने वाला है, लॉन्च होने वाला है रिलायंस जियो का गीगा फाइबर। तो अभी तो जो है वहीं से उभर नहीं पाई है, तो आने वाले समय में जो जब FTTH जो सर्विस लॉन्च होगी, तो उसके बाद इन कंपनियों का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। अगली जो अपडेट आ रही है दोस्तों, आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। जी हाँ, व्हाट्सएप जो है फेक न्यूज के अगेंस्ट में उसको खत्म करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म से काफी स्ट्रांग जो है कदम उठा रहा है। वहीं पे अगर बात करें, यहाँ पे एक और जो कदम जो उठाने जा रहा है वो है डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो है इंडिया के कई सारे पार्टनर्स के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को जो है डेवलप करा, जिसके जरिए जो है पूरे जितने भी यूजर्स हैं व्हाट्सएप के, उनको जो है डिजिटली जो है एक एजुकेट करेगा कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी फेक न्यूज है और कौन सी जो है रियल न्यूज है। सो दोस्तों, ये काफी सारी मशक्कत अभी जो है व्हाट्सएप इसमें कर रहा है। अगली जो अपडेट है दोस्तों, वो आ रही है HTC की तरफ से। जी हाँ, HTC की अगर कुछ समय पहले की बात करें, तो सैमसंग हो, एप्पल हो या HTC हो, तो ये काफी जो है अच्छे जो रिजल्ट, अगर रिव्यूज की बात करें, तो काफी अच्छे ब्रांड्स में HTC को जो है इनके साथ लिया जा रहा था। तो यहाँ पे जो है अभी रिपोर्ट ये है कि इंडिया से जो है HTC को पूरा अपना जितना भी सेटअप था उसको क्लोज करना पड़ रहा है, क्योंकि जो है वो मार्केट की जितना जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है उसको कहीं ना कहीं उससे पीछे रह चुका है, उसको कवर अप नहीं कर पाया है। अगली जो अपडेट आ रही है दोस्तों, वो आ रही है सोशल मीडिया को लेके। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट जो है काफी ज्यादा इस पे ध्यान दे रही है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर यूज हो रहे हैं, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसके चलते जो है इन सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी मिसयूज हो रहे हैं उनको जो है रोका जा सके, ताकि ये जो प्लेटफॉर्म है जिस पर्पस के लिए बने हैं उसी सही पर्पस के लिए यूज हो। अगली जो अपडेट आ रही है दोस्तों, वो आ रही है वन प्लस स्मार्टफोन्स को लेके। जी हम वन प्लस स्मार्टफोन की अगर बात करें, तो मार्केट के अंदर जो है काफी ज्यादा इसको जो है एप्रिसिएशन मिल रहा है। वहीं पे अगर बात करें कि इनने जो है एप्रिसिएशन अपने मार्केट को पकड़ बनाए रखने के लिए जो है काफी सारी चीजें जो है यूजर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है करी है। पहला तो प्राइस कम रखे हैं, दूसरा जो है यहाँ पे जो है 3.5 mm का जो जैक है उसको भी अभी तक अपने स्मार्टफोन से हटाया नहीं है। वहीं पे अगर बात करें और ज्यादा, अगर ये एडवांस की अगर बात करें, जिसके चलते हम इन्होंने यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को रखते हुए ध्यान में जो है प्राइस डाउन रखा है। वहीं पे जो है कुछ फीचर्स जो है अभी तक इसमें ऐड नहीं कर पाए हैं, जिसमें अगर बात करें पहली है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और दूसरा है वायरलेस चार्जिंग। तो ये सारी चीजें जो है अभी भी जो है आने वाले जो कुछ समय तक यहाँ इन स्मार्टफोन्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेंगी। अगली जो अपडेट आ रही है दोस्तों, वो आ रही है हमारे ईमेल कम्युनिकेशंस को लेके। जी हाँ, ईमेल के अंदर काफी ज्यादा जो आज की डेट में हम बात करें तो कम्युनिकेशन की, तो पूरा जो है पहले जो है फोन पे हम बात करते थे, लेकिन आज की डेट में जो है ईमेल कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है।
वहीं पे अगर बात करें इन ईमेल का जो है, अगर नेगेटिव ईमेल जो है लैंग्वेज में भेजे जाते हैं, उसका जो है यूजर्स के ऊपर जो उसको रिसीव करता है उनके ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। सिर्फ उसी पर्सन के ऊपर नहीं बल्कि वो उस पर्सन की वजह से जो उसकी पूरी फैमिली के ऊपर जो है पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ये एक रिपोर्ट में सामने आया है। तो यहाँ पे जो है अब मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सबसे जितने भी ईमेल के द्वारा कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि आप जब भी किसी के साथ ईमेल कम्युनिकेशन करें वहां पर उस ईमेल आईडी के ईमेल के अंदर जो है आप ऐसा कोई भी हार्श वर्ड इस्तेमाल ना करें, ऐसी कोई हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें जिसके चलते कि जो है सामने जो भी रिसीव कर रहा है उस ईमेल को वो उसको इतना ज्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ जाए कि वो कोई ना कोई गलत कदम उठा ले। सो दोस्तों इन सब चीजों से हमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें जो है इस तरह किसी को इतना ज्यादा भी हर्ट नहीं करना है, चाहे वो कोई भी जरिया हो, तो कि वो एक एक्सट्रीम हो जाए उस सामने वाले के लिए और वो कोई गलत कदम उठा ले। सो दोस्तों यही थे कुछ खास आज के न्यूज अपडेट। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कोर टेक्निकल वीडियोस हम लेके आ चुके हैं और आगे भी लेके आते ही रहेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।